दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर के बारे में जानकारी दूंगा, जो कि अभी फिलहाल यूपी में, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर जो बनाया गया है, उसी के रिगार्डिंग हम आपको 20 क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 1, अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? इसका जो पहला ऑप्शन है वो है 161 फीट। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है 150 फीट। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है 190 फीट। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है 251 फीट। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। फिलहाल तो अभी एग्ज़ाम नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे ही किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा उसमें इससे रिगार्डिंग ज़रूर 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो देखिए सही जवाब है ए, 161 फीट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है 2, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? जो अभी उत्तर प्रदेश में अयोध्या राम मंदिर बना है उसका जो कंपनी, कौन सा कंपनी ठेका लिया है उसको बनाने के लिए? ठीक है, तो इसका देखिए पहला ऑप्शन है टाटा कंपनी, जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी है। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है अदानी ग्रुप कंपनी। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है L&T ग्रुप। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब देखिए क्या है, और इसका जो सही जवाब है वो है सी ऑप्शन, L&T ग्रुप। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है 3, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? इसका जो पहला ऑप्शन है वह है सोहन बंसल। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वह है रजनीश कुमार। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वह है चंद्रकांत सोमपुरा। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वह इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें आपको गेस करना होगा कि कौन सा इसका सही जवाब है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वह है सी, चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है 4, अयोध्या किस राज्य में स्थित है? क्लियर है दोस्तों क्वेश्चन, अयोध्या किस राज्य में स्थित है? इसका जो पहला ऑप्शन है वह है उत्तराखंड में। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वह है उत्तर प्रदेश, जो कि यूपी भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वह है हरियाणा में। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वह है दिल्ली में। तो इसका सही जवाब क्या है, और इसका नीचे देखिए इसका जो सही जवाब है वह है बी, उत्तर प्रदेश। क्लियर है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है 5, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कब किया गया है? जो उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि मंदिर को बनाया गया है उसका शिलान्यास कब किया गया है? क्लियर है, अब इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है 5 अगस्त 2020 को। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वह है 15 अगस्त 2020 को। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वह 30 जुलाई 2020 को। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वह 12 जून 2020 को। अब इसका सही जवाब क्या है, और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, 5 अगस्त 2020 को राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है 6, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किसने किया है? ठीक है, क्वेश्चन समझ लीजिए, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किसने किया है? देखिए इसका पहला ऑप्शन क्या है, अमित शाह ने। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वह नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वह है सोनिया गांधी। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वह है प्रणब मुखर्जी। अब इसमें से बताइए इसका सही जवाब क्या है। ठीक है, और इसका जो सही जवाब है वह है बी, नरेंद्र मोदी। क्लियर है यहाँ तक दोस्तों क्वेश्चन, और इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। क्लियर है,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, प्रश्न नंबर है 7, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन समझ लीजिए, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है गंगा, नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वह है यमुना, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वह है सरयू, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वह है कोसी। ठीक है, ऑप्शन समझ में आ गया, तो आप गेस करके बताइए इसका सही जवाब क्या है। ठीक है, और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, सरयू नदी के किनारे। क्लियर है, सरयू नदी के किनारे ही अयोध्या बसे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर है 8, अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या 212 से कितनी कर दी गई है। अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या पहले जो था वो 212 था। ठीक है, अभी जो अभी कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है उसमें कितना पिलरों की संख्या दी गई है। क्लियर है, इसका देखिए पहला ऑप्शन है 300, नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वह है 500, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वह है 1001, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वह है 360। क्लियर है ऑप्शन, तो इसका सही जवाब क्या है, और इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, 360 पिलरों की। पहले था 212 लेकिन बाद में बदल कर 360 पिलरों की संख्या दी गई है। क्लियर है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 9, अयोध्या राम मंदिर बनने में कितने साल लगेंगे। अयोध्या राम मंदिर जो बन रहा है उत्तर प्रदेश में, उसको बनाने में कितना साल लगेगा वो आपको बताना है। क्लियर है, पहला प्रश्न ऑप्शन देखिए 2 साल में, नेक्स्ट जो बी ऑप्शन है वह है 5 साल में, नेक्स्ट जो इसका सी ऑप्शन है वह है 4 साल में, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वह है 3.5 वर्ष में। ठीक है, अब देखिए अयोध्या राम मंदिर बनने में कितने साल लगेंगे, अब देखिए ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से आप गेस कीजिए, नहीं तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, और इसका जो सही जवाब है वह है डी, 3.5 वर्ष में अयोध्या राम मंदिर बन के तैयार हो जाएंगे। क्लियर है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 10, अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन सुनवाई चली थी। ठीक है, इसका जो पहला ऑप्शन है वह है 30 दिन, नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वह है 50 दिन, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वह है 40 दिन, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वह है 60 दिन। तो इसका सही जवाब क्या है, और इसका जो सही जवाब है वह है सी ऑप्शन, 40 दिन। क्लियर है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 11, अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितनी जमीन दी गई है। क्लियर है, प्रश्न फिर से देख लीजिए, अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितनी जमीन दी गई है। देखिए ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर है ए 2 एकड़, नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वह है 5 एकड़, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वह है 6 एकड़, सॉरी इसमें कर लिखा है लेकिन एकड़ होना चाहिए, एकड़ है, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वह है 8 एकड़। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, और इसका जो सही जवाब है वो है बी, 5 एकड़ जमीन जो है वो मस्जिद बनाने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 12, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था। अयोध्या विवाद बहुत दिनों से चल रहा है दोस्तों, तो उसका जो सुप्रीम कोर्ट है अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था उसी के बारे में बताना है। इसका पहला ऑप्शन देखिए 9 नवंबर 2019 को, नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वह है 18 नवंबर 2019 को, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वह है 17 अगस्त 2019 को, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वह है 3 मार्च 2020 को। तो इसका सही जवाब क्या है, आप लोग गेस कीजिए, और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, 9 नवंबर 2019 को। ठीक है,
तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 13, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? प्रश्न फिर से देख लीजिए दोस्तों, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? इसका जो पहला ऑप्शन है वह है फैजाबाद, नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वह है पाटलिपुत्र, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वह है प्रयागराज, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वह है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है फैजाबाद, ए ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 14, जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लीजिए, कन्फ्यूजन न होइए। जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका पहला ऑप्शन देखिए अटल बिहारी वाजपेयी, नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वह है इंदिरा गांधी, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वह है पीवी नरसिम्हा राव, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वह है मनमोहन सिंह। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, पीवी नरसिम्हा राव। क्लियर है? जब बाबरी मस्जिद गिराया गया था उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे। क्लियर है? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 15, बाबरी मस्जिद को किस वर्ष बनाया गया था? बाबरी मस्जिद कब बनाया गया था? ठीक है, इसका पहला ऑप्शन देखिए 1528 को, नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वह है 1500, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वह है 1972, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वह है 1998। क्लियर है? तो इसका सही जवाब क्या है आप लोग गेस कीजिए। और इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, 1528 को। क्लियर है? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न नंबर है 16, बाबर भारत कब आया था? बाबर बहुत बार आया था लेकिन भारत प्रथम बार कब आया था? इसका जो पहला ऑप्शन है वह है 1526 को, नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वह है 1590 को, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वह है 1790 को, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वह है 1900। क्लियर है? तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, 1526 में बाबर प्रथम बार भारत आया था। क्लियर है? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 17, बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था? प्रश्न सुन लीजिए फिर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था? क्लियर है? इसका जो पहला ऑप्शन है वह है 6 जनवरी 1971 को, नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वह है 17 जुलाई 1965 को, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वह 6 दिसंबर 1992 को, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वह 15 अगस्त 1999 को। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी, 6 दिसंबर 1992, या किसी किसी बुक में 1993 भी दिया जा रहा है, लेकिन फिलहाल अभी 6 दिसंबर 1992 को ही है गिराया गया था। क्लियर है? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 18, अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया था? प्रश्न फिर से सुन लीजिए, अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया था? इसका जो पहला ऑप्शन है वह है राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में, नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वह है सुन्नी वक्फ बोर्ड के पक्ष में, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वह है उपयुक्त दोनों ए और बी दोनों, और नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वह है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, राम जन्मभूमि न्यास को।